नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जो लोग पहली बार आए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा मैं शुभ टीवी का फिर नोटिफिकेशन का चलेगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, उसे बिल्कुल फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी अपने घर में टेम्पल बना लेते हैं या फिर दोस्तों मंदिर बना लेते हैं। क्या ये सही है दोस्तों? मेरे विचार से ना। क्यों दोस्तों? घर में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। घर में हम पूजा घर बना सकते हैं, पूजा का स्थान बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन घर में कभी भी मंदिर नहीं बना सकते। जब भी दोस्तों हम घर में मंदिर बनाते हैं तो हमें इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जहाँ पर हमें ऑफिस जाना है, जहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजना है, जहाँ पर कॉलेज पास करना है, एग्ज़ाम देना है, हर एक चीज़ लाइफ में इतनी सारी परेशानी के साथ साथ करना है, हर एक विधि निषेध को मानना है, रूल्स को मानना है दोस्तों। इसके साथ साथ घर में चिकन मटन नहीं कर सकते, शराब आदि का पान नहीं कर सकते, बहुत कुछ हमें तोल मोल के बोलना पड़ता है भगवान के सामने। तो कहीं ना कहीं घर में अगर मंदिर बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का हमें मानना पड़ता है। नहीं तो क्या होता दोस्तों, इसका उल्टा हो जाता है, मतलब अच्छे की जगह बुरा वाइब्रेशन हमारे शरीर में आ जाता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। तो घर में हमेशा पूजा घर बनाना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग घर में मंदिर बना लेते हैं। चलो देखते हैं, ऐसा कोई भी आप आसन ले सकते हैं जहाँ पर भगवान को रख स्थापक है। एक भगवान को मानते हैं, 10 भगवान को, कोई भगवान को मानते हैं मिट्टी का। इसके साथ साथ फ़ोटो भी लगा सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आप टेम्पल बना लेंगे या फिर ऐसा कोई घर में कोई ऐसा प्लेस बना लें जहाँ पर आप उसको मंदिर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो आपको तो बहुत ज़्यादा रूल रिस्ट्रिक्शन आपको मानना पड़ेंगे। लेकिन इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी हम नहीं मना सकते दोस्तों। हमेशा मंदिर बाहर होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जा सके दोस्तों, वहाँ पर पूजा कर सकते, वहाँ पर पुरोहित रहते दोस्तों, लोग रहते दोस्तों, उस हर एक इसके हर एक चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों, तभी होता है। भगवान के लिए दोस्तों आप घर में एक छोटा सा कहीं एक अच्छी जगह देख के आप वहाँ पर लकड़ी का कोई भी ऐसे आसन ले सकते हो, वहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। तो मिट्टी का बना हुआ भगवान का जो मूर्ति होता है वहाँ वो भी रख सकते हैं। हमेशा पूजा कीजिए दोस्तों, खड़े होकर कीजिए, बैठ कर कीजिए, आप जिस तरह कर सकते दोस्तों कीजिए। कभी भी डर कर पूजा मत करना कि आप अगर शनिदेव की पूजा नहीं करेंगे, विष्णुदेव की पूजा नहीं करेंगे दोस्तों तो भगवान आपको मार देगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो भी पूजा करना है दोस्तों दिल से कीजिए, प्यास से कीजिए। जैसे दोस्तों हम लोग घर में कोई नया मेहमान आता है, बच्चे आते हैं दोस्तों घर में, बच्चे को जैसे हम देख हमेशा उसको देख भाल के रखते हैं दोस्तों, हर एक चीज़ उसको देते हैं दोस्तों, प्यास से बात करते, दिल से बात करते, अच्छी तरह से बात करते, इसी तरह भगवान की पूजा थी ऐसे करनी चाहिए, बच्चों की तरह या फिर दोस्तों बुजुर्ग इंसान की तरह। घर में जैसे माँ बाप रहते हैं, घर में ऐसे कोई बुजुर्ग इंसान रहता है, हम उनका आदर सम्मान करते, इस तरह भगवान की भी पूजा करना चाहिए, डर के नहीं, प्यास से। बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, दिल से बात कीजिए दोस्तों, दिल से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे दोस्तों हम लोग कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं जिनके ऊपर हम प्यार करते हैं, और वो सामने वाला बंदा या फिर बंदी अगर हमसे भी प्यार करता है तो समझ जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। दिल से बात कीजिए, आई कॉन्टैक्ट रखिए भगवान से, पूजा करने के बाद आप जितनी भी परेशानी है दोस्तों भगवान के साथ शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मांगिए, भगवान को बोले जी इसका तबीयत ख़राब चल रहा है, मेरा लाइफ इरिटेशन चल रहा है, इसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए आप कोशिश कीजिए और टेंशन भूल जाइए, काम को पूरा कीजिए, कर्म कीजिए उसके ऊपर दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक दो दिन चार साल जितने समय लगेगा, लॉन्ग टाइम में शॉर्ट टाइम हो वो कम ज़रूर होता है, मैं खुद फील किया हो दोस्तों, तो डोंट वरी। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही तक है, मेरा वीडियो आपको शेयर कमेंट करना बोलना, आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे वीडियो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, इस समय बाकी वीडियो देखते हैं ना।